हेलो डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस क्वेश्चन बेस्ड ऑन मास एंड कनेक्टेड बॉडीज। क्वेश्चन इज, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। द सरफेस ओवर विच ब्लॉक आर प्लेस्ड इज स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास गिवन है और इन तीनों पर हम एक साथ फोर्स लगा रहे हैं 14 न्यूटन की। तो हमें ये बताना है कि इनमें एक्सेलरेशन कितना आएगा। अब क्योंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सो विल अज्यूम दैट द एक्सिलरेशन विल बी सेम, एंड दैट एक्सिलरेशन विल बी इक्वल टू, वी कैन से विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ विच स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो आफ्टर वी कंसिडर मास इज कॉन्स्टेंट, वी कैन राइट एफ इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, समेसन ऑफ ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू समेसन ऑफ ऑल द मासेज टाइम द एक्सिलरेशन। ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स टोटल लग रही है वो कितनी लग रही है, 14 न्यूटन की, और जो मास है इन तीनों का मिला करके वो कितना होगा, 4 + 2 + 1 यानी कि 7, और एक्सेलेरेशन ए हमें निकालना है। सो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू 14/7, इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।